नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनके क्या क्या अधिकार हैं कंपनी के अंतर्गत, मतलब कंपनी में उनके क्या अधिकार हैं। तो देखिए, सबसे पहला अधिकार तो ये होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, मतलब FPO की जो साधारण सभा होती है उसका नोटिस प्राप्त करने का अधिकार और मीटिंग में सहभागिता करने का अधिकार, मतलब मीटिंग में ज्वाइन करने का अधिकार और मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का अधिकार एक मेंबर्स को होता है। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा दूसरा जो अधिकार है एनुअल रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त करना, मतलब एक जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, बोर्ड रिपोर्ट होती है, ये सब डॉक्यूमेंट प्राप्त करने का अधिकार एक मेंबर को होता है। मेंबर जो है कंपनी को राइटिंग में एप्लीकेशन देके इन सब डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है और कंपनी को यह अपने सदस्यों को अनिवार्य होता है मुख्य रूप से। इसके अलावा यदि जो तीसरा अधिकार होता है वो राइट टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड बुक, यदि कोई मेंबर कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहता है जैसे MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट्स बुक, मेंबर का रजिस्टर देखना चाहता है, डिबेंचर का रजिस्टर देखना चाहता है, तो इन सब चीजों का अधिकार भी एक कंपनी के मेंबर को होता है। इसके अलावा जो है राइट टू वोट एंड मेक मेजर कॉर्पोरेट डिसीजन, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो मेजर डिसीजन होते हैं जो एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं उसमें वोट देने का अधिकार भी एक सदस्य को महत्वपूर्ण रूप से होता है। मतलब जो भी प्रमुख रूप से डिसीजन लिए जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में उसमें प्रत्येक सदस्य को वोट देने का अधिकार होता है। यदि उसका कोई इंटरेस्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब उसका कोई हित नहीं हो उस मैटर से, तो हर मैटर पर उसको जो है वोट देने का अधिकार होता है। इसके अलावा जो अधिकार होता है वो राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, मतलब FPO में जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी की साधारण सभा में उसके सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही किए जाते हैं। तो जो डायरेक्टर अपॉइंट होना है उसका जो प्रस्ताव है उस पर भी मत देने का अधिकार एक सदस्य को मूल रूप से होता है। इसके अलावा जो अधिकार होता है वह राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर, मतलब कंपनी का FPO का जो ऑडिटर अपॉइंट होता है उसको भी अपॉइंट एनुअल जनरल मीटिंग में उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रस्ताव पर भी वोट देने का, मत देने का अधिकार प्रत्येक सदस्य का होता है। इसके अलावा राइट टू पास अकाउंट्स, मतलब जो कंपनी के अकाउंट तैयार हुए हैं, ऑडिट हुई है, उसको एनुअल जनरल मीटिंग में पास किया जाता है, एडॉप्ट किया जाता है, तो उस पर भी मत देने का अधिकार एक मेंबर्स को होता है। इसके अलावा जो मेंबर्स को राइट है वो डिविडेंड प्राप्त करने का राइट है, राइट शेयर, मतलब कंपनी द्वारा राइट इशू किया जाता है अपने मेंबरों को, कोई अन्य शेयर अलॉट किए जाते हैं तो उनको प्राप्त करने का अधिकार भी एक मेंबर को होता है। इसके अलावा कंपनी द्वारा यदि बोनस इशू किया जा रहा है शेयर्स का तो वो शेयर्स भी प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक सदस्य या शेयर होल्डर को होता है। इसके अलावा राइट टू ट्रांसफर शेयर, मतलब देखिए जो FPO है उसके शेयर जो है नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, परंतु एक्टिव मेंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति लेने के बाद FPO के मेंबर द्वारा उसके शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो जो सदस्य है, शेयर होल्डर है FPO का, उसको ये अधिकार होता है कि वह अपने जो शेयर से वह ट्रांसफ़र कर सकता है। दोस्तों, तो ये जो प्रमुख रूप से मुख्य अधिकार होते हैं उस पर हमने इस वीडियो में चर्चा करी। वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, तो अन्य लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।